नमस्कार छात्रों, आज का अपना टॉपिक है राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा की शक्तियां और उसके कार्य। राज्य विधानमंडल राज्य की व्यवस्थापिका है और संविधान के द्वारा राज्य विधानमंडल को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्य विधानमंडल की शक्तियों का अध्ययन अपन निम्न रूप में किया जा सकता है। पहला, विधायी शक्ति। राज्य के विधानमंडल को सामान्यतः उन सभी विषयों पर कानून का निर्माण की शक्ति प्राप्त है जो राज्य सूची में और समवर्ती सूची में दिए गए हैं, लेकिन समवर्ती सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कोई विधि यदि उसी विषय पर संसद द्वारा निर्मित विधि के विरुद्ध हो तो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि मान्य नहीं होती। राज्य विधानमंडल की कानून निर्माण की शक्ति पर ये प्रतिबंध हैं। कौन कौन से? अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता होने के कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तो संसद उस राज्य के संबंध में राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण कर सकती है। अथवा यदि 352 और 360 के अंतर्गत भारत में संकट काल लागू है तो ऐसी स्थिति में संसद भारतीय संघ के सभी राज्यों के लिए राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बना सकती है। दूसरा है, राज्यसभा यदि राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पास कर दे कि राष्ट्रीय हित में संसद को इस विषय पर कानून बनाना चाहिए तो संसद ऐसा कर सकती है, जो अनुच्छेद 249 में है। तीसरा, कुछ विधेयकों को राज्य विधानमंडल द्वारा स्वीकृत हो जाने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होना आवश्यक है। जब तक राष्ट्रपति इन्हें स्वीकृत ना कर दे तब तक ये कानून का रूप नहीं लेतेंगे। इनमें प्रमुखतया दो प्रकार के विधेयक आते हैं। पहला, जिसका संबंध राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने से हो। दूसरा, समवर्ती सूची के विषय पर बना हुआ ऐसा कानून जो इस विषय पर संसद द्वारा निर्मित कानून के विरुद्ध हो, जो अनुच्छेद 254 में। चौथा क्या है, कुछ विधेयक राज्य विधानमंडल में प्रस्तावित किए जाने से पूर्व उन पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। ऐसे विधेयक वे हैं जिनका संबंध राज्य के भीतर या विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य पर वह आने जाने की स्वतंत्रता पर रोक लगाने से होता है, जो अनुच्छेद 304 में है। और पांचवा है, संघीय संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों समझौतों का पालन करने के लिए भी राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, परंतु इसके संबंध में अंतिम शक्ति किसके पास है? विधानसभा को हुई प्राप्त है। दूसरी है वित्तीय शक्तियाँ। विधानमंडल मुख्यतया विधानसभा की राज्य के वित्त पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। आय व्यय का वार्षिक लेखा बजट विधानसभा से स्वीकृत होने पर ही शासन के द्वारा आय व्यय से संबंधित कोई कार्य किया जा सकता है। विधानमंडल से विनियोग विधेयक पास होने पर ही सरकार संचित निधि से व्यय हेतु धन निकाल सकती है। तीसरा है प्रशासनिक शक्ति। संविधान द्वारा राज्य के क्षेत्र में भी संसदात्मक व्यवस्था स्थापित किए जाने के कारण राज्य मंत्रिमंडल अपनी नीति और कार्यों के लिए विधानमंडल विशेषतया विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानमंडल या विधान परिषद के सदस्यों द्वारा मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मंत्रियों के विरुद्ध निंदा या आलोचना प्रस्ताव पास किया जा सकता है या काम रोको प्रस्ताव किया जा सकता है। इन सब के अतिरिक्त विधानसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किया जा सकता है जिसके कारण मंत्रिमंडल को पद त्याग करना होता है। और चौथी है संविधान में संशोधन की शक्ति। हमारे संविधान की कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनमें संशोधन के लिए जरूरी है कि संसद द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर पारित प्रस्ताव को कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा स्वीकार किया जाए। इस प्रकार राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन के कार्य में भी भाग लेती है। और पांचवा है निर्वाचन संबंधी शक्ति। राज्य की विधानसभा में निर्वाचन संबंधी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है।
विधानसभा, अच्छा अगला विधानसभा और विधान परिषद की तुलना तथा दोनों का पारस्परिक संबंध क्या क्या है। विधानसभा और विधान परिषद की तुलना उनके पारस्परिक संबंध के निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। पहला, नामकरण के संबंध में। विधानसभा के दो अंग विधानसभा और विधान परिषद है। विधानसभा विधानमंडल का प्रथम निम्न सदन है, विधान परिषद द्वितीय और उच्च सदन है। दूसरा, प्रतिनिधित्व के संबंध में। विधानसभा राज्य की समस्त जनता का प्रतिनिधि है, विधान परिषद कुछ वर्ग विशेषों का, विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। सदस्य संख्या के संबंध में, किसी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 हो सकती है, परंतु विधान परिषद के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या की एक तिहाई होती है, किंतु वह 40 से कम किसी भी अवस्था में नहीं होगी। चौथा है, निर्वाचन के संबंध में। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, साधारण बहुमत की पद्धति के आधार पर होता है, परंतु विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। कार्यकाल, साधारणतः विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन इस अवधि से पूर्व भी मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा इसे भंग किया जा सकता है। ठीक इसके विपरीत विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, इसमें एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा नए सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। छठा, पदाधिकारियों के संबंध में। विधानसभा के 2 पदाधिकारी, 1 अध्यक्ष और 1 उपाध्यक्ष है तथा विधान परिषद के 2 पदाधिकारी सभापति और उपसभापति हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण के संबंध में, राज्य की विधान परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, विधान परिषद के प्रति नहीं। विधान परिषद केवल प्रश्न, पूरक प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव उपस्थित कर मंत्रियों के कार्यों की जांच और आलोचना ही कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर उसे पद से हटाने का कार्य विधानसभा के द्वारा ही किया जाता है। आठवां, कानून निर्माण के क्षेत्र में। यद्यपि साधारण कानून राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं तथा वे विधेयक दोनों सदनों से स्वीकृत होने चाहिए, परंतु यदि विधानसभा द्वारा पारित होने के पश्चात विधान परिषद उसे अस्वीकृत कर दे और ऐसे संशोधन प्रस्तावित करे जो विधानसभा की स्वीकार्य नहीं हो या परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तिथि से 3 माह तक उसे पारित न किया जाए, तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः पारित करके विधान परिषद के पास भेजती है। यदि परिषद विधेयक का पुनः अस्वीकार कर देती है या उसमें ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं होते अथवा विधेयक रखे जाने की तिथि से 1 माह तक विधेयक पारित नहीं करती, तो विधेयक विधान परिषद द्वारा पारित किए जाने के बिना ही दोनों सदनों में पारित समझा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को केवल 4 माह तक रोक सकती है। इस प्रकार अवित्तीय विषयों पर कानून निर्माण के संबंध में भी राज्यों में विधान परिषद विधानसभा के समान नहीं है बल्कि कम शक्तिशाली है। वित्तीय क्षेत्र, वित्त विधेयक विधानसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। विधानसभा से स्वीकृत होने के बाद वित्त विधेयक परिषद को भेजा जाता है। परिषद 14 दिन के भीतर विधेयक संशोधन सहित वापस कर देती है, तो संशोधनों को स्वीकार करने या न करने का अधिकार विधानसभा को है। यदि परिषद 14 दिन के भीतर वित्त विधेयक को नहीं लौटाती तो विधेयक दोनों सदनों में पारित समझा जाता है। अनुदान की मांगों पर मतदान भी केवल विधानसभा में ही होता है। इस दृष्टि से राज्य में विधान परिषद को वैसी स्थिति प्राप्त है जैसी केंद्र में राज्यसभा को। संविधान संशोधन के क्षेत्र में, संविधान के कुछ विशेष उपबंधों का पर संशोधन की पुष्टि राज्य विधानमंडल द्वारा करता है और इस संबंध में विधानमंडल के दोनों सदनों की शक्ति समान है। और 11वां है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में। राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल विधानसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा तथा विधान परिषद की शक्तियों में तुलना
के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि विधान परिषद की तुलना विधानसभा विधान परिषद की तुलना में अधिक शक्ति संपन्न है। इस पर एमपी शर्मा ने कहा कि जो समानता का ढोंग लोकसभा और राज्यसभा के बीच है वह विधानसभा और विधान परिषद के बीच नहीं है। विधानसभा का अधिक शक्तिशाली होना स्वाभाविक भी है क्योंकि विधानसभा जनता का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है और विधान परिषद अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है।